दोस्तों, कूटनीतिक रिश्तों में आए उतार चढ़ाव की वजह से भारत और नेपाल के बीच में खाई अब गहरी होती दिखाई पड़ रही है। आज दोनों देशों के संबंध उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर हम इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नेपाल का झुकाव अब चीन की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। और अब इसका असर होता हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसे लेकर सामने आई खबर हम सभी के लिए काफी चिंताजनक है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि एक बार फिर से नेपाल ने भारत के खिलाफ ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठा लिया है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अब पहली बार नेपाल ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे दोनों देशों के लोगों को काफी परेशानी होगी और इस कदम का कोई फायदा भी नहीं होने वाला। बड़ी बात तो यह है कि नेपाल ने इतने बड़े कदम को बस अचानक से उठा लिया, जिसका कोई भी सिर पैर नहीं है। दरअसल नेपाल ने अब ये फैसला किया है कि अगर भारत से कोई भी सामान नेपाल में जाएगा तो इसके लिए सभी को कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स देना होगा। हैरानी की बात तो यह है कि नेपाल जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगा रहा है उनकी कीमत कोई खास ऊंची भी नहीं है, बल्कि सिर्फ 100 रुपए तक होनी चाहिए। मतलब अगर आप भारत से कोई भी सामान नेपाल लेकर जा रहे हैं और उसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा होगी तो आपको नेपाल की कस्टम को टैक्स देना होगा, जो काफी अजीब बात है। क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में ओपन बॉर्डर काम करता है, उसे देखते हुए कस्टम ड्यूटी और टैक्स लगाना कोई खास अच्छा आइडिया नहीं लगता, जिससे हम ये बात कह सकते हैं कि नेपाल का ये कदम चीन के साथ उनके संबंधों से प्रभावित है। इतना ही नहीं, बल्कि मौजूदा समय में भारत जो नेपाल के लिए आर्थिक स्तर पर इतना महत्वपूर्ण देश है, उस पर तो नेपाल ने कस्टम ड्यूटी लगा दिया, जबकि चीन पर ऐसी कोई भी कंडीशन लागू नहीं की गई है। मतलब अगर कल को चीन से सामान नेपाल भेजा जाता है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो, तो भी उस पर नेपाल कोई टैक्स नहीं लगाएगा, जो भारत के लिए काफी चिंताजनक है। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही नेपाल पूरी तरह से चीन के चुंगुल में फंस जाएगा और हमारे लिए एक और बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भी नेपाल के अपर हाउस के पार्लियामेंट से एक काफी बड़ा बयान देखने को मिला था, जिसमें नेपाल के बड़े नेताओं ने ये बयान दिया था कि उनके ओपन बॉर्डर आज सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि इससे नेपाल के अंदर हालात को काबू करना लगातार मुश्किल बनता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें इन खुली सीमाओं का कुछ करना होगा। अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर नेपाल के नेता भारत से सटी खुली सीमाओं की बात कर रहे हैं, जिसे चीन के प्रभाव में आकर अब वे बंद करना चाहते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आ रही, लेकिन कोई हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले कुछ महीनों में नेपाल के अंदर भारत के साथ ओपन बॉर्डर को बंद करने पर भी डिस्कशन शुरू हो जाए, क्योंकि नेपाल की मौजूदा सरकार चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी तेजी से काम कर रही है। क्योंकि चीन नेपाल के अंदर BRI के तहत काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसे लेकर भारत हमेशा से ही नेपाल को चेतावनी देता आया है। क्योंकि भारत ये बात अच्छे से समझता है कि चीन नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों का कोई विकास नहीं चाहता, बल्कि वह बस इन देशों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए चीन को सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टमेंट का लगा, जिसका बहाना बनाकर वह हर देश की सरकार को अपनी कूटनीतिक मंशा पूरी करने के लिए मना सकते हैं, और ऐसा होता भी दिखाई पड़ रहा है। पर हम सभी जानते हैं कि चीन के निवेश आज तक किसी भी देश के लिए अच्छे साबित नहीं हुए, जिसके तहत हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश आज अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आर्थिक विकास तो काफी दूर की बात है, साथ ही हम उन अफ्रीकी देशों का भी उदाहरण ले सकते हैं जहां पर चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था के विकास का बहाना बनाकर निवेश किया था, पर आज उन देशों में भी गरीबी काफी ऊंचाइयों पर है और वैसा कोई भी आर्थिक विकास भी नहीं हुआ जैसा चीन ने वादा किया था, बल्कि उल्टा वे सभी देश चीन के कर्ज में फंस गए। ऐसे में नेपाल के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत शुरू से ही चीन को लेकर चेतावनी देता आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन की सरकार नेपाल को अपने पक्ष में करने में सफल हो चुकी है। क्योंकि नेपाल पिछले कुछ सालों से जिस तरह से कदम उठा रहा है, उन्हें हम साफ तौर पर भारत विरोधी कह सकते हैं, और इस बात में भी कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आगे जाकर नेपाल और भी प्रो चाइना कदम उठाए, लेकिन इससे अंत में नेपाल को ही नुकसान होगा, क्योंकि चीन कभी भी नेपाल के लिए उतना भरोसेमंद साथी नहीं बन पाएगा जितना कि भारत है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें
करें तो अब नेपाल द्वारा भारत से सामान नेपाल में ले जाने पर कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत भी नेपाल की प्रो चाइना पॉलिसी को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव करता है या फिर नहीं, क्योंकि अब नेपाल में चीन के प्रभाव को ऐसे ही लगातार बढ़ने नहीं दे सकते। इसीलिए इस मुद्दे पर भारत का रिएक्शन भी काफी महत्वपूर्ण होगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को भी नेपाल के ऊपर कोई सख्त कदम उठाने चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।